नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश की मैनीपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग में धांधली के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट रोकने का आरोप लगाया है। वहीं इस सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया कि डीएम मैनीपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यूपी के मैनीपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं। इसी चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ मैनीपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट आजम खान के परिवार की राजनीति का भविष्य तय करेगी। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे, जो उनके पास आईडी है, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है, मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप? फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें, और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूंगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे।